खान साहब की तबीयत ठीक नहीं, उनके सीने और बाजू में मुसलसल दर्द है। अवाम नवाज शरीफ के जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ करें। मरियम नवाज का कोटलाकपा जेल में वालिद से मुलाकात के बाद ट्वीट। मुलाकात का स्केड्यूल तब्दील, मौलाना फजलुर रहमान आज की बजाय 20 मार्च को नवाज शरीफ से मिलेंगे। मरियम नवाज की जाती मालिज के हमरा अपने वालिद से जेल में मुलाकात। मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं, उनको अंजाइना की तकलीफ हुई। वज़ीर इत्तला'आत आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मिन्हास की गुफ्तगू। ससुराल वाले कातिल बन गए। मिल्लत पार्क के इलाके आजम चौक में ससुराल वालों ने पेट्रोल छिड़क कर बहू को जिंदा जला दिया। 35 साल नसरीन को तश्वीशनाक हालत में हॉस्पिटल लाया गया मगर जाबर न हो सकी। 35 साल नसरीन की 3 माह कबल शहजाद से शादी हुई। घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। नसरीन को उसके खावंद शहजाद देवर और सास ने आग लगाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मकतूला के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला वज़रा और अराकीन असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा। वज़ीर आज़म का अरकान पर बिलमूम और वज़ीर आला बुज़ार पर बिलखसूस मायूसी का इजहार। अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए वसाइल नहीं। मुल्क में खुशहाली होती तो यह फैसला किया जा सकता था। बिल की मंजूरी से दिल शिकस्ता हो गया। इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आज़म का ट्वीट आने पर वज़रा की कलाबाजियां। तनख्वाहों में इजाफा पहले दुरुस्त फिर गलत करार। फवाद चौधरी की तनख्वाहों में इजाफे की पहले हमायत फिर मुखालफत। खुद को नवाजने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। शमसान बुखारी की भी तीसरी वजाहत। पहले खुश वज़ीर आज़म के बयान पर नाखुश। बोले कोई यू टर्न नहीं लिया। तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला बाद में करेंगे। वज़ीर खेल की भी एंट्री। कहा जो इलेक्शन पर करोड़ों खर्च कर सकते हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की जरूरत नहीं। आन चौधरी का इजाफी तनख्वाह ना लेने का ऐलान। डेप्टी स्पीकर डट गए। तनख्वाहों में इजाफा खुश आइन करार। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को तनख्वाहों में इजाफे की समरी पर दस्तखत करने से रोक दिया। वज़ीर आला को पूरी जिंदगी के लिए घर देने का फैसला मुनासिब नहीं। लाइफ टाइम मराद का दौरानिया ज्यादा से ज्यादा 3 माह करने की तजवीज। वज़ीर आला पंजाब को बिल दोबारा ऐवान में लाने की हिदायत। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का समरी पर दस्तखत ना करने का फैसला। दस्तखत वज़ीर आज़म की मर्जी से मशरूत कर दिए। अवामी रद्देमल का डर या यू टर्न पॉलिसी। वज़ीर आला पंजाब की मराद को बिल से निकालने का फैसला। मराद को कानूनी तरीके से नई तरमीम के जरिए निकाला जाएगा। हुकूमती सतह पर मराद बिल से निकालने पर इत्तफाक। तनख्वाहें बढ़ाने पर सूबाई वज़ीर कानून ने वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने रिहाइश से मुतल्लिक नुकात को सराहा। हुकूमत और अपोजिशन ने वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे की हमायत की। अखराजात में इजाफे से मुतल्लिक आगाह किया। तनख्वाहों के मामले पर अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज़ पर। तनख्वाहों के मामले पर वज़ीर आला पंजाब ने भी मायूसी का इजहार किया। तनख्वाहें दूसरे सूबों से कम थीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के बराबर कर दी। अपोजिशन के बिल को हुकूमत ने टेक ओवर किया। तर्जमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खजाना खाली, मौजूद और साबिक अरकान के फिर भी वारे न्यारे। तब्दीली सरकार का साबिक अराकीन असम्बली को तोहफा। ताहियात मुफ्त इलाज की सहूलत दे दी। इंडोर और आउटडोर का इस्तेहकार कानूनी करार। अवामी नुमाइंदे मालामाल, सरकारी मुलाजमीन बेहाल। बुजदार सरकार की दोहरी पॉलिसी से सरकारी मुलाजमीन को झटके। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के अलाउंसेस काट लिए गए। बजट बनाने वाले महकमा खजाना के कंपोजर्स का बजट भी कम कर दिया गया। कई सालों से मिलने वाले अलाउंसेस खत्म होने पर मुलाजमीन में तशवीश की लहर। जज्बात को रंगों में ढालने का फन। हेरिटेज म्यूजियम में फन मसवरी की नुमाइश। आर्टिस्ट एजाज अनवर के 50 से ज्यादा नमूने नुमाइश के लिए पेश। माशरती मसाइल की अक्कासी करती शानदार पेंटिंग्स को हाजरीन ने खूब सराहा। और बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में 4 रोजा फेस्टिवल। म्यूजिक परफॉर्मेंस पर हाजरीन झूम उठे।
फैशन शो में तलबा के रैंप पर चल पड़े।